एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये बैग बनाऊंगी। बहुत प्यारा ये बनकर रेडी हुआ है। इसको हम इजीली घर पर बना सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। बनाने के लिए मैं ये कॉटन का कपड़ा ली हूँ, नीचे ये प्लास्टिक बोरी डालकर, और ये पतला वाला जो लाइनिंग का कपड़ा आता है, जिस जो हम सूट में अस्तर लगाते हैं, उसको मैं इसमें एडजस्ट करके इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। इसका मेजरमेंट एक ओर से 11.5 है और दूसरे ओर से ये 10 है। ये हमारा दो पीस है और ये दो पीस लाइनिंग के लिए कपड़ा है। अब हम इस पर 1x1 का मार्क करके बॉक्स बनाएंगे और कट कर लेंगे चारों पीस पर। ये हमारा चारों कॉर्नर पर 1x1 का मार्क लग गई है। ये हमारा 1x1 का ही ये कार्डबोर्ड है, इसको कॉर्नर पर रखकर मार्क कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। चारों पीसेस पर जो मार्क किया हुआ है, इसको हम कट कर लेंगे। हमारा ये कटिंग हो गया है, सब पीस पर कटिंग हो गई है। अब हम पॉकेट लगाएंगे अंदर के साइड। इस तरह से कपड़ा लेंगे। ये कपड़ा के चौड़ाई 9 है और इसकी लंबाई 5.5 है, थोड़ा सा कम है 6 में। तो इसको एक साइड थोड़ा सा छोड़कर इसको हम पहले स्टिच कर लेंगे। ये हमारा दो पीस है। थोड़ा सा जगह छोड़कर पूरा हम स्टिच कर लेंगे इसको। जब ये हमारा स्टिच हो जाएगा तो इसको हम जिधर से खुला छोड़े थे उधर से हम इसको सीधा कर लेंगे। कॉर्नर को पहले थोड़ा सा कट कर लेंगे। इधर से इसको सीधा करेंगे। अच्छी तरह से सभी कॉर्नर को बाहर निकाल लेंगे। और ये जो खुली हुई साइड है, इसको इस तरह से पकड़कर हम स्टिच कर लेंगे और चारों ओर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। हमारी पॉकेट तैयार हो गई है। अब हम इसको बीच में इस तरह से फोल्ड करके मार्क लगाएंगे। और इसको भी बीच में मार्क कर लेंगे। यहाँ से ऊपर से हम 2.5 इंच नीचे इसको करके हम स्टिच कर लेंगे। तीन साइड स्टिच करेंगे और बीच में एक स्टिच करेंगे। हमारा ये दो पॉकेट बन जाएगी। ये हमारा दो पॉकेट बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसमें जिप लगाएंगे। तो इसमें हम इस तरह से इसको रखकर और ये वाला पीस इसके ऊपर हम रखकर स्टिच कर लेंगे। जब ये हमारी स्टिच हो जाएगी तो हम इसके पीछे इस तरह से करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद हम अब इसको इस तरह से रखेंगे बराबर करके पीछे साइड से। ये दूसरा लाइनिंग कपड़ा को हम रखेंगे और इसको स्टिच कर
लेंगे। जब हमारी इसमें ये जिप लग जाएगी तो हम इसमें अब रनर लगाएंगे। रनर लगाने से पहले हम इस तरह से एक स्ट्रेप तैयार करेंगे। इसकी लंबाई 3.5 है, इसको इसके अंदर डालेंगे। और इसको इस तरह से सिलकर पीछे मोड़ देंगे। जो हमारा सिलाई रहेगा इसको हम पीछे मोड़ देंगे। यहाँ पहले स्टिच कर देंगे। ये हमारा इधर स्टिच हो जाएगा तो इसको हम नीचे के साइड इस तरह से मोड़ेंगे। इसको बराबर करते हुए और इस सिलाई को बीच में लाएंगे इधर और यहाँ स्टिच कर लेंगे। इधर स्टिच कर लेंगे। जब ये हमारा स्टिच हो जाएगा तो हम इसमें इंसर्ट करेंगे। जब हमारा इसमें ये रनर इंसर्ट हो जाएगा तो हम इस तरह से बेल्ट लगाएंगे। अब इसकी लंबाई 50 है और इसकी चौड़ाई 1 इंच, लगभग 1 इंच है, थोड़ा सा ये कम है। इस हम इसको कट करके इधर इधर इसको कट करके इसको यहाँ स्टिच करेंगे और इसको जिप के ऊपर इधर स्टिच करेंगे। दोनों को स्टिच कर लेंगे। जब ये हमारा ये स्टेप इसमें अटैच हो जाएगी तो इसको पिन से हम इधर फंसा लेंगे और इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। ये हमारा पूरा ये स्टिच होगा इधर इधर और इधर और इस साइड हमारा इधर स्टिच होगा और यहाँ से थोड़ा सा इधर स्टिच होगा, थोड़ा सा इधर और इधर हम छोड़ेंगे सीधा करने के लिए। जब ये सब हमारा स्टिच हो जाएगा, इधर हम थोड़ा छोड़ेंगे खुला पलटने के लिए, तो अब हम कॉर्नर को स्टिच करेंगे। चारों कॉर्नर को स्टिच करेंगे। इस तरह से पकड़ कर हम स्टिच करेंगे। हमारा चारों कॉर्नर स्टिच हो जाएगी तब हम इधर इसको स्टिच करेंगे। इसको बराबर करेंगे इस तरह से और ये वाला पीस को भी, ये जो हमारा सिलाई है जोड़ है, जोड़ से जोड़ मिलाकर हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे इधर भी और इधर। फ्रेंड्स, हमारा ये सब स्टिच हो गया है कॉर्नर। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लाइनिंग का ये कपड़ा है, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को एक साथ स्टिच करेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे और स्टिच करेंगे। इसी तरह से इस पीस को इसमें नहीं, बीच वाला छोड़कर इस पीस को इस कॉर्नर में हम स्टिच करेंगे। बीच वाला छोड़कर इस कॉर्नर को, देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कॉर्नर स्टिच हो गया है ये दोनों साइड का। अब हम इसको इधर से, जो हम ने इधर खुला छोड़ा था, इधर से हम इसको धीरे धीरे सीधा करेंगे। इसको बाहर निकालेंगे। और ये हमारा जो खुली हुई साइड है, अब हम इसको इस तरह से पकड़ कर स्टिच कर लेंगे। इधर से स्टिच कर लेंगे, फिर हम इधर से इसको खोल लेंगे। ये हमारा स्टिच हो जाएगा, अब हम इधर ये जीप के साइड से इसको सीधा करेंगे। इधर से हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद ये हमारा इस तरह से रेडी हुआ है ये बैग।
ये हमारे दो कॉफी टंकर बनकर रेडी हुए हैं। ये हमारा स्टेप कितना प्यारा ये बनकर रेडी हुआ है, तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो, अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।